दोस्तों, आज की कहानी प्रार्थना और भगवान से संबंधित है, इसलिए इस कहानी को अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां ही हमारी जिंदगी बदलती है। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो हमारे घर आकर उसके बीमार पिता से मिले, प्रार्थना करे। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। संत ने बेटी के आग्रह को स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब संत घर आए तो उसके पिताजी पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई हो। संत ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। पिता ने कहा, नहीं, आप कौन है? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिता, ओह, यह बात नहीं है। आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपया मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर देंगे क्या? संत को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर फिर भी दरवाजा बंद करने के लिए वह उठ गया और उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। पिता, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था, वो तो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना करने की कोशिश करना छोड़ दिया, लेकिन 4 साल पहले मुझे एक संत मिले। उन्होंने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उन्होंने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहां भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसे ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो रोज 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा, लेकिन यह ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर मैं देख लेती तो परेशान हो जाती या फिर वह मुझे मनोचिकित्सक के पास ले जाती। यह सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का फोन संत के पास आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिस दिन पिताजी आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापिस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज भी देखी। पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाए हों। संत जी, वो क्या था? यह सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले, बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका सीधा संबंध सीधे भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी उसमें भगवान बैठते थे और वे सीधे उनसे बात करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को उनके पास आना पड़ता था। आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, पर समर्पण किसी एक के लिए ही होता है। दोस्तों, इस कहानी ने भी आपका दिल छुआ हो तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।